हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:30 और मैं 7:30 बजे का उठा हुआ हूँ। और मैं बिस्तर से इसलिए नहीं उठा हूँ क्योंकि गाइस बाहर हो रही है बहुत गंदी वाली बारिश, बट उसके बावजूद भी मम्मी जी ऊपर आ गई हैं पूजा पाठ करने के लिए। अगर आप, हो सकता है घंटे की आवाज आ रही होगी। तो मैंने अभी ग्रीन टी बनाई, ग्रीन टी भी मैंने पी ली है। 2 घंटे से मैं ऐसे बिस्तर बैठा हुआ हूँ, अपनी एडिटिंग वगैरह करने में लगा था, 29 सितंबर की तैयारी कर रहा था। तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, बाहर बारिश हो रही है, कौन जाए नीचे। लेकिन मम्मी जी ऊपर आ गए, मुझे पक्का पता है मम्मी शायद अंदर भी आएंगे देखने के लिए कि अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ। मॉर्निंग, मम्मी जी आ गई। मैंने कहा था मम्मी जी पक्का आ जाएंगी अंदर देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे पीछे हाथ खड़े 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 ऐसा लग रहा है इंस्पेक्शन करने आए हो, रिपोर्ट लेने आए हो मेरी। तो बुखार आ रहा था, सारी रात भर नहीं सोया हो। हैं, सारी रात नहीं सोया हो, सारी रात भर गोदों पकड़ करके सुला करके। तो क्या करना है उसको, कहीं लेके जाना हॉस्पिटल? हाँ, फिर समझ के खाना पड़ता है उसे। सारी रात नहीं सोया है, और प्यास लगी थी, अंदाजी नहीं आया, बोलने वाला हुआ नहीं हो। फिर राहुल अपने साथ राहुल आया डॉक्टर जान से, उसको गोदों पकड़ के ले गया, आधा गिलास पानी पिया उसने। अच्छा, उसके बाद वो खेलने लगे, टीवी लगा दिया उन्होंने उसके लिए, खेलने लगे रात को। अभी सुबह रे। अच्छा, आज पूरा मंदिर उधर साफ करना है, फिर कल को नवरात्रि हुई भरना होना है। आज है पितृ विसर्जन अमावस्या। तो लीजिए जी, हमें मिल गया सुबह सुबह एक अच्छा वाला काम। आज करनी है मंदिर की सफाई, और आज मम्मी जी ने बताया भी आपको कि है पितृ विसर्जन अमावस्या, और इसी वजह से बारिश भी हो रही है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, 9:30 हो गया, नहाते हैं उसके बाद चलते नीचे, नाश्ता वास्ता करते हैं। अब पता नहीं बनाना पड़ेगा या बना बनाया मिलेगा, वो तो जाकर के पता चलेगा। चलिए गाइस, फिर मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ तुम बढ़िया तरीके से, चलते नीचे नाश्ता वास्ता करते हैं। और गाइस, आज तो बारिश रुकने का नाम ही ले रही है, जिस तरह से बारिश हो रही है मेरे को लग रहा है जितने भी पितर थे ना, शायद मेरे ख्याल से एक ही लाइन में जा रहे हैं सब लोग। थोड़ा सा रुक रुक के जाना चाहिए सबको, किसी को आज किसी को कल, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि बारिश तो फिर ऐसे शाम तक रहेगी, क्योंकि पितर भी तो बहुत सारे हैं ना हमारे। गजब की बारिश हो रही है आज, जाऊँ क्या ऐसी, भीग जाऊंगा। अभी तो नहा के निकला यार, फिर नहाना पड़ेगा मुझे। हनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया। मम्मी जी भी गुड मॉर्निंग हो गई मेरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाभी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज संडे हुआ मैंने सुना है, फिर बाहर बारिश भी लग रही है, रात का लास्ट दिन भी है। सबकी आंखें पड़ रहा हूँ मैं, सबको मन मतलब मन में क्या चल रहा है सबकी। यहाँ चल रहा है चाउमीन, यहाँ चल रहा है मोमो, यहाँ चल रहा है जो खिला दो। है ना, जो खिला दो खिला दो। आज लग गया हमारे घर में चैलेंज, खतरनाक वाला चैलेंज है कि एक सांस में कौन पूरा पानी गटकता है। तो एक हमारे प्रतिद्वंदी है राहुल जोशी, और एक प्रतिद्वंदी है मीरा जोशी जी, मतलब हमारी मम्मी जी। तो कैमरा थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ मैं, गेट के बाहर बिल्कुल एकदम, दोनों फोकस मानी चाहिए बिल्कुल। हाँ चलो, ओके ठीक है, चेक करते कौन पहले घुटुक मारता है। मम्मी जी का फुल ग्लास है, भैया का छोटा सा है। अरे बाप रे, मम्मी जी ने एक घटक में पूरा पी लिया, और जानबूझ के नहीं पिया हमने। ये कौन सी बात हुई बताओ जी? ये प्रतिद्वंदी हार गए हमारे, और ये वाले जो प्रतिद्वंदी है जीत गए। तो अभी पार्टी करेंगे, हम जीतने वालों में से हैं, हम हारने वालों में से नहीं है। देखो, दिखाओ, संदीप माहेश्वरी के बाद यही आते हैं। तो चलिए गाइस, हमारे चाचू महाराज भी उठ गए, लेकिन इसकी आंखों को देख के लग रहा है कि इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है इसकी। अभी भी गर्म हो रहा है शरीर, इसका बुखार आ रहा है इसको भी। कल तो हमने रात को उसको न्यूबलाइज किया था, कल के ब्लॉग में आपने देख लिया होगा। फिलहाल मेरे को बनाना है ब्रेकफास्ट, तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनता है। आओ चाचू, चलते हैं। आओ, टिकट में नहीं जा रहे, स्कूटी में जा रहे। स्कूटी में नहीं जाना है, स्कूटी में नहीं जाना, किस में जाना है फिर? किस में जाना है बता, किस में जाना है? दोगे तेरी। तो अभी हम ग्रंथ को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल तक, थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो रही है इसकी, धूप हो गई, अब मौसम साफ हो गया। किस में जाना है चाचू? टिकट में जाना है, स्कूटी में जाएंगे, ठीक है? किस में जाएंगे? ऐसे ही बैठना है, ठीक है, मैं आगे से स्कूटी चलाऊंगा, ठीक है, पकड़ लेना मेरे को। हाँ, पकड़ लो मेरे को, पकड़ लिया, कैसे पकड़ना है? ऐसे करके। चाचू कहाँ पहुँच गया ये? शर्मा जी के पास, हमारा बचपन भी इधर ही बीता है। आ जा। चलिए जी, हम पहुँच गए हॉस्पिटल में। तो
कल से आ रहा है। आपने जो लिखी थी पुरानी डॉपलर रिपोर्ट थी वो भी उस तरह हो जाता था। इसलिए दवाई लेते हैं अब। कैसा लगा अंकल जी से मिलके? जब तू बड़ा हो जाएगा ना ये ब्लॉग देखना, ठीक है? ये भी हमारी तरह ही है, हॉस्पिटल आती है ठीक हो गया है तो इसको दवाई की ज़रूरत ही नहीं है ना। चाचू दवाई खाएगा? खाएगा नहीं खाऊंगा। भीड़ कम थी जल्दी हो गया काम, वरना यहाँ तो हमेशा भीड़ रहती है। 200 कहाँ घर चले? चले घर। कुछ खाएगा? कुछ खाना है? ले लो कुछ खाना। आइसक्रीम खाएगा? ठीक है। हनी हम आ गए वापिस, हम आ गए। अरे जी पहुँच गए घर ग्रंथ को हॉस्पिटल दिखा के। अब ठीक है? इसको क्या हुआ चाचू? ओ चाचू दवाई पिएगा हाँ, मीठी मीठी वाली, ठीक है? अरे मीठी मीठी वाली पिएगा। हाँ मैं क्या बोल रहा, अरे थोड़ी सी मीठी मीठी वाली। हाँ ये सब ऐसे रहना है, रोना नहीं है। दवाई आ गई चाचू। ओ चाचू खोले कौन दे? दवाई आ गई। दवाई खानी पड़ेगी। आ करो अरे कहाँ भाग रहा। चले गए फिर ग्रंथ को दवाई वाई पिलाने के बाद उसको मैंने सुला दिया था। फिर मैं ऊपर आ गया था और गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे मैं 1 बजे का ऊपर आया हूँ, अभी अभी 4 बज गए। और 3 घंटे से मैं ऐसे ही बैठा हूँ रूम पे, मुझे होश ही नहीं कि 4 बज गए। और मम्मी जी ने आज एक काम बोला था मुझे कि आज है पितृ विसर्जन अमावस्या, तो आज मंदिर वंदिर की थोड़ा सफाई करनी क्योंकि कल से लग रही नवरात्रि है। तो नवरात्रि में तो आपको पता है पूरा मंदिर साफ चाहिए होता है, तो मम्मी जी ने काम सौंपा हुआ था और 4 बज गए गाइस। अब पता नहीं काम को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले जाता हूँ नीचे मम्मी जी से बात कर लेता हूँ एक बार। और गाइस आज तो दंगा खाना भी नहीं खाया मैंने, ऊपर ही बैठा हूँ सुबह, मतलब 1 बजे से ऊपर ही बैठा हूँ मैं। चलिए चलते नीचे और मम्मी जी से बातचीत करते हैं, मंदिर साफ सफाई करने थे मंदिर की। आज देखते हैं पहले खाने में क्या बना है। बंद है तो दरवाजे बंद कर रखे, यहाँ से बंद है वहाँ से बंद है, तो मैं कहाँ से जाऊँ? भूख लग रही मुझे अब। हनी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल देना, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। ओ हनी खोलना दरवाजा। मैंने हनी से भी रिक्वेस्ट कर ली, अब हनी कहाँ से खोलेगी दरवाजा? मैंने खिड़की से झाँक के देखा तो मम्मी जी सोई भी है और शायद भैया भी वहाँ सोए हुए आराम से। तो अब क्या करें वापस ऊपर ही चलते हैं। और गाइस देखिए मैंने एलोवेरा लगाया था तो ये जम गए अच्छे तरीके से, और ये छोटे छोटे वाले पेड़ लगाए थे मैंने ये भी जम गए, ये घास भी उगी लेकिन साथ साथ में। और ये देखो आलू के पेड़ मेरे, ये मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पर आलू लगाए थे, आलू भी हो गए। और कुछ दिनों पहले गुलाब के फूल भी लगाए थे, एक तो लग गया एक नहीं लग पाया शायद, ये सूखा सूखा ही लग रहा मुझे। चलिए गाइस कोई बात नहीं, अगर 4 भी बज गए तो क्या हुआ, मंदिर की सफाई तो हो ही सकती है। चलिए करते हैं। जय हो भगवान जी। तो पहला काम मुझे क्या करना है, सारे फोटो फ्रेम निकालने, ये बक्सा और ये हटाना है यहाँ से, ये भी ऊपर ठीक ठाक करना है, बहुत सारे काम है यहाँ पर। तो अब मुझे भी नहीं पता कि ये काम कितनी देर में कंप्लीट होगा, लेकिन फिलहाल अभी 4 बज रहा है तो कोशिश करेंगे कि 1-2 घंटे में कंप्लीट कर लें इसको, क्योंकि लगेगा मुझे 1-2 घंटे इसको ठीक करने में। तब तक करता हूँ अपने फोन को चार्ज और फिर करते हैं आपसे बातचीत इसको ठीक ठाक करके। सो गाइस टाइम हो रहा है 6:13। जैसे कि हमारी बातचीत थी 4 बजे और मैंने कहा था कि 2 घंटे लगेंगे और पूरे 2 घंटे लगे गाइस, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। अभी तो मैंने पूरा पानी से धोया, उसको साफ किया, सफाई करी उसकी बढ़िया तरीके से। अभी उसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मंदिर को आपको मैं कल दिखाने वाला हूँ, जो बिल्कुल ठीक कर दूंगा उसको मैं, क्योंकि माला वगैरह लगाना बाकी है, बहुत सारी फोटोज हैं वो लगाना बाकी है, मतलब काफी सारी वहां पर धूल धक्कड़ हो रही थी तो मैं पूरी साफ कर दी है। चली गई तो साफ सफाई फाइनली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने 4 बजे साफ सफाई करना शुरू किया था और गई अभी 7 बजने वाले हैं। तो आप खुद सोचिए 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटे लग गए मुझे सफाई करने में। खैर सफाई करने में 3 घंटे लगे, बाकी काम करने में 3 घंटे लगे। बाकी मैं अभी ग्रंथ को घुमा के भी लाया, अभी गाड़ी में बैठाया इसको मैंने थोड़ी देर हनी को भी घुमाया मैंने, मैंने कहा चलो इनका घूमने का टाइम हो रहा है। चलिए गाइस अभी जो इसकी तबीयत है उसकी थोड़ा सा सुधार है अभी, मतलब ये थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है चेहरा, देख सकते हो उसका आप पहले से, मतलब पहले के अपेक्षा का जो चेहरा है ना आप काफी अलग मिलेगा अभी आपको। पहले तो उसका चेहरे में काफी खिलखिलाता हुआ चेहरा होता था, अभी थोड़ा सा चेहरा पता नहीं इसका सुस्त हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे अप डाउन तो लगे रहते हैं, फिलहाल पता नहीं कहाँ चले गए पीछे। चलिए गाइस फिर आज के ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आज का जो ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे बेहतर और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आजकल ब्लॉग कौन एंड कर रहा है? चाचू एंड कर रहा है।
रो क्यों रहा, अब नहीं पिलाएंगे, 15 मिनट तक नहीं पिलाएंगे, ठीक है, एक 15 मिनट के बाद पिलाएंगे, ठीक है।